बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको डेरों के चंद रहे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ चावल गोभी आलू वाले। ये मैंने 2 गिलास चावल लिए, अच्छी तरह वाश कर लिए हैं, इनको मैंने भगो दिए। और ये 1/2 टीस्पून है गोभी और 1/2 टीस्पून है आलू, इनको भी अच्छी तरह वाश करके मैंने काट लिया। ये 3-4 टमाटर का पेस्ट है और ये 1 प्याली प्याज है और ये 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टीस्पून है ये बारीक कुटी सबज मिर्च और ये मेथी है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून कौरमा मसाला है, 1/2 टीस्पून ये साबुत कुटा हुआ धनिया है। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें क्या डालते हैं, फ्राई हो गया है। अब मैं ये लहसुन और सब्ज़ी मिर्ची डाल दूँगी, ये टमाटर के पेस्ट डाल दी, ये मसाले डाल दी, हमारा तैयार हो गया। ये मैं बिरयानी मसाला डाल दूंगी, ये गोभी और आलू डाल दिए, इनकी भुनाई हो जाएगी अच्छी तरह फिर चावलों का पानी डालेंगे। गोभी की भुनाई हो गई है, मसाला बहुत अच्छी खुशबू आ रही है,
ये थोड़ा सा धनिया है वो डाल दिया। पानी डाल रही हूँ, 2 गिलास चावल है और 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। चावल डाल रही हूँ, चावल हमारे दम पे आ गए, पानी खुशक हो गया है। चावलों को मैं दम दे रही हूँ, चावल हमारे तैयार हो गए, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के बने हैं। मैं अपडेट शॉट कर रही हूँ, थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा सलाद में मूली का कटा था, ये भी रख रही हूँ।